नमस्कार दोस्तों, आप सभी का विश्व भारती चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। पिछले शनिवार को यानी 28 तारीख को या रविवार को 29 अगस्त 2021 को एक जानकारी निकल कर आई थी कि महाराष्ट्र के परिवहन मंत्री अनिल परब इन्हें ईडी ने समन दिया है और ये समन देकर के उन्हें आज यानी 31 अगस्त 2021 को अपने कार्यालय में यानी अपने ऑफिस में इन्वेस्टिगेशन के लिए बुलाया है। लेकिन आज जो कई सारे सूत्रों से जानकारी निकल कर आ रही है कि वो तो आज इन्वेस्टिगेशन के लिए गए नहीं और उन्होंने अपने किसी वकील को भेज दिया है ये जानकारी देने के लिए कि वो अपने शेड्यूल के हिसाब से बिजी है। खैर, ये जो भी हो, लेकिन इस पूरे प्रकरण में आज सुबह एक और जानकारी आई। वो जानकारी क्या है ये तो हम आपको इसी वीडियो में बताएंगे, लेकिन यहाँ पर यह समझना जरूरी है कि इसके पहले अनिल देशमुख की इंक्वायरी चल रही थी और उन्हें 4 से 5 बार समन भेजा गया, उनके पत्नी को समन भेजा गया, उनके बेटे को समन भेजा गया है। वो और महाराष्ट्र की सरकार ये हाईकोर्ट गए, फिर सुप्रीम कोर्ट गए, सब जगह इनके पिटीशन रिजेक्ट हुए और इनके एप्लीकेशन रिजेक्ट होने के बाद ये फिर हाईकोर्ट आए, बॉम्बे हाईकोर्ट, और फिर वहां पर फिर रिजेक्ट हुआ, फिर सुप्रीम कोर्ट गए और फिर इनका ये सब रिजेक्ट हो गया। कहने का मतलब हमारा ये है कि ऐसी पूरी जो परिस्थिति है, इस परिस्थिति में उनका अभी तक कुछ पता नहीं चल रहा है कि वो कहाँ है। हालांकि उनके सभी जो ऑफिशियली उनके पास जो अवेलेबल रेमेडीज थे वो खत्म हो चुके हैं, लेकिन उसके बाद भी वो आज तक ईडी में पेश नहीं हुए। और ये पूरे मसले की जो शुरुआत हुई थी वो लगभग इसी साल फरवरी या मार्च की बात होगी, जब सचिन वाजे ने स्पेशल एनआई कोर्ट को एक पत्र लिखा था जिसमें न सिर्फ अनिल देशमुख का नाम था, तब के गृह मंत्री महाराष्ट्र के, लेकिन उसमें इसी परिवहन मंत्री अनिल परब का भी नाम था। और उनके मतलब जो सूत्रों से खबर मिल रही कि ये अनिल परब के विषय में डिस्क्रीट इंक्वायरी यानी साइलेंट इंक्वायरी जिसे कहते हैं, ये एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट द्वारा की जा रही थी और इसी इंक्वायरी में काफी सारे सबूत उन्होंने इकट्ठा किए होंगे। लेकिन इस दौरान हुआ ये कि उन्हें जो समन आया उसके पहले रत्नागिरी में उन्होंने पुलिस से कहा था कि इन्हें डिटेन किया जाए, ऐसी कुछ वीडियो क्लिप उनके फोन कन्वर्सेशन की वायरल हो रही थी कुछ दिनों पहले। और पिछले ही हफ्ते उन्होंने केंद्रीय मंत्री नारायण राणे को जब डिटेन किया गया तो ऐसा माना जा रहा था कि इन्हीं के इंस्ट्रक्शन के ऊपर उन्हें डिटेन किया गया और उसके बाद बाहर पुलिस को हैंड ओवर कर दिया गया जहां पर उनका केस था। हालांकि कुछ ही घंटों में वो बेल पर छूटकर आ गए और वो भी कल ऐसा माना जा रहा था कि महार पुलिस के सामने हाजिर होंगे। वहां के जो न्यायालय के जो जामीन के यानी बेल के जो आदेश थे जमानत के उस हिसाब से, लेकिन उनकी तबीयत खराब नहीं होने की वजह से वो वहां पर हाजिर नहीं हो पाए महार के पुलिस के एसपी के सामने या क्राइम ब्रांच के सामने जो भी हो। लेकिन आज जो ये खबर आई कि अनिल परब ईडी के सामने हाजिर नहीं हो रहे, उसके कुछ ही समय पहले सुबह सुबह एक खबर आई थी कि ये जो अनिल परब है इनके ऊपर एक लोक आयुक्त के इंक्वायरी का आदेश हो चुका है। ये परिवहन मंत्री है और इनके खिलाफ इंक्वायरी करने का लोक आयुक्त को अधिकार है। तो महाराष्ट्र लोक आयुक्त की तरफ से कुछ इंक्वायरी होने जा रही है जिसकी शुरुआत 2 सितंबर को यानी आने वाले गुरुवार के दिन होने जा रही है, ऐसी कुछ जानकारी मिल रही है। और इस विषय में कई सारे एप्लीकेशन जिसमें कि इनके खिलाफ एलिगेशन लगाए गए थे ये महाराष्ट्र के माननीय राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी के पास गए थे, ऐसी जानकारी हमें इसी महीने में मिल रही थी। यानी इसी महीने में उनके खिलाफ कुछ एप्लीकेशन या जो कंप्लेंट है वो राज्यपाल के पास गए थे। राज्यपाल ये अपने आप में सक्षम है कि इस तरह की कोई भी इंक्वायरी का आदेश देने के लिए, यानी वो इस तरह का आदेश दे सकते हैं, ऐसा कानून के हिसाब से समझा जा रहा है। तो अब ये जो इंक्वायरी है, यानी राज्यपाल ने शायद कल आपको या सुबह को इस विषय में आदेश दिए होंगे, जो आज कुछ ही लोकल यानी स्थानिक मीडिया चैनल्स में इसकी जानकारी फ्लैश की गई। सॉरी, अब कई सारे जो पॉलिटिकल एनालिस्ट है, पॉलिटिकल एक्सपर्ट है, उनके तरफ से ये जानकारी आ रही है कि ये जो उनके ऊपर इल्जाम है वो कुछ इस प्रकार के बताए जा रहे हैं कि उनके पास जो परिवहन खाता था यानी ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट, ट्रांसपोर्ट मिनिस्ट्री,
उसके अंदर जितने अधिकारी थे यानी आरटीओ वगैरह रीजनल ट्रांसपोर्ट ऑफिसर, इनकी जो पदोन्नति यानी बढ़ोतरी में लाखों रुपए का भ्रष्टाचार हुआ और उसमें इनके लिप्त होने का अंदेशा है। अगर आपको जानकारी होगी शायद तो कल कुछ 8 जगहों पर एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट की जो है वो रेड हुई थी, जिसमें से ऐसे बताया जा रहा है कि शिवसेना की सांसद है, एमपी है, उनकी कुछ 5 जगहों पर रेड हुई। इसके सिवा बाकी जो 3 जगहों पर रेड हुई उसमें से एक जगह ऐसी बताई जा रही है कि ये नागपुर के कोई डिप्टी आरटीओ है जो पहले भी भ्रष्टाचार के मामले में सस्पेंड हो चुके हैं। यानी कहने का मतलब ये कि अगर ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट के किसी अधिकारी के पास कुछ ज्यादा ही कैश या उसके कुछ जो ट्रांजेक्शन है वो मनी लॉन्ड्रिंग या करप्शन मनी से अगर संबंधित है और ये पूरी जो है जानकारी शायद राज्यपाल के पास आई हुई होगी और जो कंप्लेंट भी उनके पास गए हैं इस महीने में, जो कि सूत्रों से हमें खबर मिल रही है, इसके ऊपर वहां के महाराष्ट्र के माननीय राज्यपाल श्री भगत सिंह कोश्यारी इन्होंने उस तरह का आदेश दिया है। तो अब इनकी जो तकलीफें हैं, ये कई सारे पॉलिटिकल एक्सपर्ट बता रहे हैं कि परिवहन मंत्री अनिल परब की जो तकलीफें हैं वो और बढ़ने जा रही है, आने वाले समय में उन्हें काफी सारे तकलीफों का सामना करना पड़ेगा, लेकिन पड़ सकता है। लेकिन इसके विषय में सबसे महत्वपूर्ण जो जानकारी आ रही है वो ये है कि एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट के सामने इन्होंने जाने में कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। अगर इन्होंने कोई भी गैरकानूनी काम या गैरकानूनी व्यवहार नहीं किया है तो जिस तरह से अनिल देशमुख कह रहे थे कि हमने कुछ गैरकानूनी काम नहीं किया है, तो ये क्यों बार बार इस न्यायालय उस न्यायालय जा रहे थे? उन्होंने सीधा ईडी के सामने हाजिर हो जाना चाहिए था। उसी तरह से इन्होंने भी सीधा सीधा एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट के सामने हाजिर हो जाना चाहिए, वरना जनता में ये तो इमेज जाएगा कि ये जो सरकार है जो किसानों का नाम लेकर के सत्ता में आई थी। अब आप देख रहे हैं कि पिछले साल भी कितने सारे गांव में बाढ़ आई, इस साल भी अभी कुछ दिनों में कई सारे जगह में महाराष्ट्र में बाढ़ आई है, कई सारे किसानों का लाखों लाखों करोड़ों करोड़ों का नुकसान हुआ है। उन्हें न पिछले साल कुछ भरपाई दी गई बल्कि उन्हें तो बिजली के बिल चिपका दिए गए कि भाई ये आपको भरना है, और वो पिछले साल की बात है, इस साल की भी बात है कि कोरोना लॉकडाउन में जब लोगों का उत्पन्न कुछ नहीं है लेकिन उन्हें बिजली का बिल भरने के लिए लगाया जा रहा है, लोगों की नौकरियां जा चुकी है, उनके धंधे बंद पड़े हुए हैं। ऐसे हालात में महाराष्ट्र की जनता की परिस्थिति का अनुमान लगाना बहुत ही कठिन नहीं बहुत ही आसान है कि लोग वहां पर बहुत तकलीफ में जी रहे हैं। और कल और आज महाराष्ट्र मनोरंजन सेना और भारतीय जनता पार्टी की तरफ से कई आंदोलन किए गए कि वहां पर जो दही हंडी नहीं फोड़ने दी जा रही, गणेश उत्सव नहीं करने दिया जा रहा है तो उससे कोरोना बढ़ेगा, मंदिर बंद है वहां से कोरोना बढ़ेगा, लेकिन वहां पर जो बार बीयर बार हो, दारू के बार हो या वाइन शॉप हो, वो सब खुले हुए हैं, वहां से कोरोना बिल्कुल नहीं बढ़ता है। पब खुले हुए हैं, वहां पर लोग जाकर के म्यूजिक पे डांस करते हैं, वहां पर कोरोना बिल्कुल नहीं बढ़ता है। ऐसा शायद वहां की सरकार महाराष्ट्र विकास आघाड़ी महाविकास आघाड़ी की सरकार की ऐसी मान्यता लगती है। खैर, सबसे बड़ी जो इस पूरे सिलसिले में जो सिल्वर लाइनिंग है वो ये मानी जा रही है कि सभी जितने पॉलिटिकल एक्सपर्ट और एनालिस्ट हैं उनका कहना ये है कि अगर अनिल पर किसी भी प्रकार की इंक्वायरी होती है तो उनके पूरे जो व्यवहार का जो लिंक है वो मातोश्री से, यानी वहां के जो मुख्यमंत्री है सम्माननीय उद्धव जी ठाकरे, उनके परिवार से वो लिंक निकलने की संभावना नकारी नहीं जा सकती। इसके लिए आने वाले भविष्य में ये देखना है कि क्या ये एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट या फिर लोक आयुक्त के इंक्वायरी के लिए ये हाजिर होते हैं या नहीं हाजिर होते हैं, इनकी जो इंक्वायरी लगाई गई है उसमें ये कोऑपरेट यानी सहकार्य करते हैं या नहीं सहकार्य करते हैं। आपकी राय इस विषय पर क्या है आप जरूर नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय हमें जरूर बताएं। और सबसे महत्वपूर्ण इनके जो लिंक के बारे में वहां के जो सम्माननीय मुख्यमंत्री हो या उनके जो पार्टी के मुखिया है श्री उद्धव जी ठाकरे, उनके साथ या उनके परिवार के साथ इनके लिंक निकलने की क्या संभावना है, क्या नहीं है, आप जरूर इस विषय पर अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में लिख करके बताएं। आप इस वीडियो को अपने सभी परिचितों मित्रों के साथ, रिश्तेदारों के साथ, दोस्तों के साथ और अपने सभी परिचित लोगों के साथ जरूर शेयर करें। अगर आपने अभी तक इस वीडियो को, इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया नीचे सब्सक्राइब क्लिक करके इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और उसके बारे में जो बेल का आइकन
दिया हुआ है उस पर क्लिक करके ऑन नोटिफिकेशन को जरूर ऑन करें ताकि आपको सही सही समय पर हमारे इन सभी वीडियोस की जानकारी नोटिफिकेशन मिलती रहे और आप सही समय पर तुरंत ये सभी सही सही जानकारियां प्राप्त करते रहे। आप सभी ने इस वीडियो को पूरा अंत तक देखा, इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय। जय हिंद।